वेकेशन पे है, ऑफिस का काम कर रहे हैं। हेलो एंड गुड मॉर्निंग। ठंडी ठंडी है आज का वेदर और काफी मस्त लग रहा है और हम लोग घूम रहे हैं ऑफिस बीच। पतिदेव हमारे काम कर रहे हैं तो बस हम दोस्तों के साथ शहर थोड़ा सा घूमने के लिए। हाँ यहाँ पे हम लोग स्टे किया, उन्होंने एयरबीएनबी बुक किया हुआ है, इसका नाम है मिलेनियम डॉलर व्यू। तो आइए आप सब भी मेरे साथ और चलिए चल के देखते हैं कि क्या है इस शहर में खास देखने के लिए। वैसे मस्त आज वेदर है, ठंड नहीं है। हम लोग शहर का चक्कर लगाते लगाते पहला स्टॉप में पहुंचे हैं, वो है हार्टली डेविडसन। नाउ सीट प्राइस देखिए 37,000। हम आए हैं पब्लिक बीच, ये स्टेट पार्क है। इनको देखो बीच पर लेके जा रहे हैं, एकदम सन्नाटा और काफ़ी अच्छा लग रहा है। जी हाँ, भले इस पार्क का नाम पब्लिक बीच था बट यहाँ पे कोई बीच नहीं है और बच्चे खेल नहीं पाए तो थोड़ा उदास हो गए थे, पर कोई नहीं, हम आगे कहीं देखेंगे कि अगर ऐसा कोई किनारा मिलता है जहाँ बच्चे खेल सके थोड़ी देर। और ये व्यू देख के आपको कैसा लगा, है ना मस्त, काफ़ी सूदिंग लगता है ये सब व्यू। बाल्टी बाल्टी भर के बच्चों ने एकॉर्न्स इकट्ठे किए थे, मुझे नहीं पता क्या करने वाले उसको, लेकिन बट ये लोग रुक नहीं रहे थे और जहाँ इनको मिल रहा था बस बैठ के बिटोरने लग जा रहे थे। यही तो बचपन है। यहाँ हम लोग एक घंटा रुके होंगे, उसके बाद हम सबने डिसाइड किया कि हम कहीं दूसरे डेस्टिनेशन पे जाते हैं और वहाँ पे मेरे हस्बैंड करने वाले हैं हम सबको जॉइन। सो लेट्स गो। हम लोग आए हैं अभी लंच करने के लिए।
How to remove leaf from branches? हम जो डैम देखने गए थे उसके वहाँ से 5 से 7 मिनट का रास्ता है सीनिक व्यू का, और काफ़ी प्यारा व्यू है। आप यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे पिक्चर्स निकाल सकते हैं और काफ़ी सुंदर लगता है, एंजॉयबल है। घर पे बैठे बैठे एक दिन कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता, और जब घूमने निकलो तो हम एक दिन में कितनी सारी जगह देख लेते हैं। तो आज हम पूरा शहर घूमते फिरते अब अपने घर पहुँचने वाले हैं क्योंकि अब शाम हो रही है। तो आइए चलते हैं और एंजॉय करते हैं अब शाम। यहाँ लगे हैं चाय बनाने के लिए, डिनर की तैयारी चल रही है। ये धुला हुआ है, आदिति पता नहीं क्या बना रही है। क्या बना रहे हो? रसम तो बना रही है। रसम तो बना रही है। कपकेक। ये दोनों लगे पता नहीं क्या कर रहे हैं। और यहाँ भैया लगे हुए बारबेक्यू तैयार करने में। आज तो बहुत मजा आने वाला है, इतना सुंदर व्यू के साथ बारबेक्यू। सनसेट हो चुका है और ये हमारा बालकनी। ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले ब्लॉग में। तब तक आप देखते रहिए रोहिचास ब्लॉग, एंड बाय बाय।